भी ऊर्जा आ जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, इस कोरोना काल एक ऐसा कसौटी का काल था जिसमें सच्ची कसौटी तब होती थी जब संकट होता है। सामान्य स्थिति में बहुत जल्दी ध्यान में नहीं आता। दुनिया बड़े बड़े देश, कोरोना में जो हुआ वो तो है, लेकिन उन्होंने हर एक ने तय किया कि वे अपने नागरिकों को सीधे पैसे पहुंचाएंगे ताकि इस संकट की घड़ी में उनके नागरिकों को मदद मिले। आपको जानकर के ताज्जुब होगा, दुनिया के बहुत सारे देश उस कोरोना लॉकडाउन कर्फ्यू आशंका इस वातावरण के कारण चाहते हुए भी खजाने में पाउंड और डॉलर के ढेर होने के बावजूद भी अपने नागरिकों तक नहीं पहुंचा पाए। बैंक बंद, पोस्ट बंद, व्यवस्थाएं बंद, कुछ नहीं कर पाए। इरादा था, घोषणाएं भी हुई, ये हिंदुस्तान है कि जो इस कोरोना कालखंड में भी करीब करीब 75 करोड़ से अधिक भारतीयों को राशन पहुंचा सकता है, 8 महीने तक राशन पहुंचा सकता है। यही भारत है जिसने जनधन, आधार और मोबाइल के द्वारा 2 लाख करोड़ रुपया इस कालखंड में लोगों तक पहुंचा दिया। और दुर्भाग्य देखिए, जो आधार, जो मोबाइल, ये जनधन अकाउंट इतना गरीब से काम आया, लेकिन कभी कभी सोचते हैं कि आधार को रोकने के लिए कौन लोग कोर्ट में गए थे, कौन लोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे थे। मैं कभी कभी हैरान हूं, और आज मैं इस बात को बार बार बोलूंगा, अध्यक्ष जी मुझे क्षमा करना, मुझे 1 मिनट का विराम देने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। इस हसन में कभी कभी अज्ञान भी बड़ी मुसीबत पैदा करता है। माननीय अध्यक्ष जी, ठेले वाले, रेहड़ी पटरी वाले लोग इस कोरोना कालखंड में, उनको धन मिले, उनके पैसे मिले, ये उनके लिए किया गया और हम कर पाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी अर्थव्यवस्था इस कालखंड में भी हमने रिफॉर्म का सिलसिला जारी रखा, और हम इस इरादे से चले कि भारत जैसे अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए, बाहर लाने के लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे। और आपने देखा होगा, डे वन से अनेक बीज से रिफॉर्म के कदम हमने उठाए, और इसका परिणाम है आज ट्रैक्टर हो, गाड़ियां हो, उसका रिकॉर्ड सेल हो रहा है। आज जीएसटी का कलेक्शन एवर हाईएस्ट हुआ है। ये सारे आंकड़े हमारी अर्थव्यवस्था में जोश भर रही है, ये दिखा रहा है कि नए जोश के साथ भारत की अर्थव्यवस्था उभर रही है, ये हम दिखता है। और दुनिया के जो लोग हैं उन्होंने ये अनुमान भी लगाया है कि करीब करीब 2 डिजिट वाला ग्रोथ अवश्य होगा, 2 डिजिटल ग्रोथ की संभावनाएं सभी पंडितों ने कही है, और मुझे विश्वास है कि इसके कारण इस संकट के काल से भी, मुसीबतों के बीच से भी देशवासियों की अपेक्षा के अनुसार देश प्रगति करेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस कोरोना काल में 3 कृषि कानून भी लाए गए हैं। ये कृषि सुधार का सिलसिला
बहुत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। और वर्षों से जो हमारा कृषि क्षेत्र चुनौतियां महसूस कर रहा है उसको बाहर लाने के लिए हमने निरंतर प्रयास करना ही होगा, और उस करने की दिशा में हमने एक ईमानदारी से प्रयास किया है। जो भावी चुनौतियां, जिसको कई विद्वानों ने कहा हुआ है, कोई मेरे शब्द नहीं है, कृषि क्षेत्र की इन भावी चुनौतियों को हमने अभी से डील करना पड़ेगा, और उसको करने की दिशा हमने प्रयास किया है। मैं एक देख रहा था कि यहां पर जो चर्चा हुई, और विशेष करके हमारे जो कांग्रेस के साथियों ने चर्चा की, मैं ये तो देख रहा था कि वो इस कानून के कलर पर तो बहुत बहस कर रहे थे, ब्लैक है कि व्हाइट है, ब्लैक है कि व्हाइट है। अच्छा होता उसके कंटेंट पर चर्चा करते, अच्छा होता उसके इंटेंट पर चर्चा करते, ताकि देश के किसानों को भी सही चीज पहुंच सकती थी। और मुझे विश्वास है, दादा ने भी भाषण किया, और मुझे लगता है कि दादा तो बहुत अभ्यास करके आए होंगे, बहुत अच्छी बात बताएंगे, लेकिन वो ज्यादातर प्रधानमंत्री और उनके साथी बंगाल में यात्रा क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उसी में लगे रहे तो दादा के ज्ञान का हम ज्ञान से हम इस बार वंचित रह गए। खैर, चुनाव के बाद अगर आपके पास मौका होगा तो ये कितना महत्वपूर्ण प्रदेश है, इसीलिए हम कर रहे हैं। हाँ, आप लोगों ने इसको इतना पीछे छोड़ दिया, हम तो इसको प्रमुखता देना चाहते हैं। हम एक बात समझें, जहां तक आंदोलन का सवाल है, दिल्ली के बाहर हमारे जो किसान भाई बहन बैठे हैं, जो भी गलत धारणाएं बनाई गई, जो अफवाहें फैला गई, उसके शिकार हुए हैं, लेकिन मेरा पूरा भाषण बोलने के बाद सब कीजिए, आपको मौका मिला था। आप तो ऐसे शब्द उनके लिए बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते, हम नहीं बोल सकते हैं। श्रीमान किसान हमारे कैलाश चौधरी जी ने, और हमारे ये समय बोलते ही रहेंगे क्या? माननीय, आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया था, आपने पूरी बात कही, उस समय किसने टोका टोकी नहीं की? प्लीज प्लीज आप मत, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अधीर रंजन जी, प्लीज प्लीज, माननीय अधीर रंजन जी, प्लीज 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 प्लीज। देखिए, मैं कितनी सेवा करता हूँ आपकी, आपको जहाँ रजिस्टर करवाना था हो गया।